ने सोचा अगर ये हमारा राजा बन गया और लोगों ने इसको सपोर्ट करा तो फिर ये हमें क्या करेगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 5 पद से सीखा था और उसमें जो 2 भाग थे, पहला भाग था उसके अंदर प्रकाशित वाक्य के विश्वास योग्य साक्षी और मरुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है। इन 2 विषयों पे हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 5 पद में सीखा था। आज इसका 3रा भाग है और इसके 3रे भाग में अर्थात प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5 पद में जो है उसके बारे में हम सीखेंगे और इसमें है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। हम सबसे पहले इस पद को पढ़ लेते हैं, पूरा इस पद को पढ़ लेते हैं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वे हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। देखिए, ये जो प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी बताई जा रही है प्रकाशित वाक्य के अंदर, खूबियां जो बताई जा रही हैं, ये वो बातें हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमसे प्रेम रखता है और वो किस तरीके से इस दुनिया में आता है और किस तरीके से राज करता है और किस तरीके से वो हमारे बीच में रहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और उसने हमें हमारे पापों से किस तरीके से छुड़ाया है। ये सारी बातें जो हैं परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, परंतु प्रकाशित वाक्य के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो एक अलग बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिखाई देती है। और यहां पर तीसरी जो बात है, इसका जो 3रा भाग है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 5 पद का, उसके अंदर लिखा है पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। ये एक बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर के इस वचन में की गई है। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहां लिखा है द रूलर ऑफ किंग्स ऑन अर्थ, अर्थात और पृथ्वी पर राजाओं का शासक, यानी पृथ्वी के ऊपर जो शासक है, पृथ्वी के राजाओं के ऊपर जो शासन करता है, पृथ्वी के अधिकारियों के ऊपर जो शासन करता है, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, कितना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, कितना बड़ा पद वाला क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का शासन जो है वो सबके ऊपर है और वो सब पे अपना शासन करता है। मगर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वो राजा बनकर हुकूमत जताने नहीं आया था। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में था, जो यहाँ पर यहूदियों में बड़ा कंफ्यूजन सा जो पैदा हुआ था, इसके बारे में हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा, मेरे साथ आप निकाल लीजिए वचन संहिता 89:27 है। यहां पर इस तरीके से लिखा है, फिर मैं उसको अपना पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, फिर मैं उसको अपना पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। देखिए पहलौटा क्या है, पहलौटा किसको कहा गया, प्रभु यीशु मसीह को। और वो कहता है कि पृथ्वी के राजाओं पर क्या ठहराएगा, प्रधान ठहराएगा। यहां पर बड़ा अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड आई विल मेक हिम द फर्स्ट बॉर्न द हाइएस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, अर्थात और पृथ्वी के राजाओं में सर्वोच्च ठहराऊंगा। यहां पर अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन करके देखेंगे इसका वचन संहिता का, कि मैं पृथ्वी के राजाओं में उसे क्या बताऊंगा, सर्वोच्च ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है सर्वशक्तिमान जो है वो बनाएगा अपने पहलौटे को, अपने पुत्र को, यहां परमेश्वर का वचन बताता है। और यहां पर एक चीज समझने की बात है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी इसराइलियों की और यहूदियों की, इसराइली और यहूदी जो थे वो इस बात में उनको कंफ्यूजन था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनका राजा बन के आया है, अब उनके ऊपर जो है वो हुकूमत करेगा और वो अपनी मर्जी से उनको गाइड करेगा। एक तो वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह उनको उपदेश देता था, उसके उपदेश उन्हें पसंद नहीं आते थे। क्यों पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट में बात करता था, वो जो गलत काम करते थे या गलत बात बोलते थे परमेश्वर के वचन से और गलत तरीके से लोगों को गाइड करते थे, तो यीशु मसीह जो था वहां उनको टोकता था, जो उनको पसंद नहीं आता था या वचन के अनुसार वो सोचते थे ये वचन के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सोचा अगर ये हमारा राजा बन गया और लोगों ने इसको सपोर्ट करा तो फिर ये हमें क्या करेगा।
इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह हमारा राजा बने। हालांकि यीशु मसीह की कोई ऐसी मंशा थी नहीं, इसको आगे हम देखेंगे तब पता चलेगा कि यीशु मसीह राजा बनना चाह रहा था या नहीं चाह रहा था। परंतु यहां पर उन्होंने पिलातुस को भी भड़का दिया। अब पिलातुस को क्या भड़का दिया? पिलातुस कौन था? पिलातुस जो था वो रोम के अधीन था और रोम का शासक था पिलातुस जो था, कि ये जो है यहूदियों का राजा जो है वो अपने आप को बताता है या अपने आप को कह रहा है। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और पिलातुस के सामने पेश किया गया तो उसने सबसे पहला सवाल क्या पूछा? मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका 23 का 3 पद पढ़ लीजिएगा। लिखा, पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। अब यहां सेंस को समझिएगा। पिलातुस ने पूछा कि तू क्या यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। आप ही कहने का मतलब क्या है? यहां पर जो सेंस है यीशु मसीह का, जो कहने का तरीका है, जो भेद है यहां पर, कि तू सही कह रहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, परंतु वो इस संसार के बने हुए राज्य में नहीं था। वो इस संसार के, ये संसार जो था वो उसका राज नहीं था। वो उसके आने वाले राज की बात कर रहा था कि जो भी यहूदी, इजरायली या जिस जाति के लोग उसके राज में प्रवेश करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसे उसका राजा होगा। मगर ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की हुकूमत और शासन आज भी इस संसार के अंदर है, क्योंकि वो क्या है? वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, इसको आगे देखेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:5 में यीशु मसीह को रूलर कहा गया है, अर्थात शासक। यानी इस संसार का जो रूलर है प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो कोई और है। अब वो किसकी बात कर रहा है? यहां पर आप निकाल सकते हैं यूहन्ना 14:30 पद है, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 30 पद। यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। यहां लिखा है फॉर द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इनकमिंग, यानी इस संसार का जो शासक है वो आता है। अब इस संसार का शासक किसको कहा गया है? परमेश्वर का वचन बताता है जब आप इसको पढ़ोगे यूहन्ना 16:11 में, कि न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। यानी सरदार किसको कहा गया है? यानी जो शैतान है, सरदार शब्द, रूलर शब्द इस्तेमाल किया गया उसके, यानी शासक जो है, जो शासन कर रहा है वो शैतान है। आप देख लीजिए कैसे शासन का, अब शैतान का जो शासन है, शासन काल जो है वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जो बुराई है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। लूटपाट, लड़ाई झगड़ा, गाली कलौच, मर्डर, रेपे और जने क्या क्या, रेप करना और ये करना, बहुत सी ऐसी चीजें जो है चरम सीमा पे पहुंच गई है। न्याय दिखाई नहीं देता है। और आज जो है इंसान का जीवन जो है बिल्कुल पाप में इतना डूब चुका है, इतना भर चुका है कि प्रभु यीशु मसीह जो है इतनी गंदगी को देखकर वो ऊब सा गया है और बहुत व्याकुल हो गया है इस गंदगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर में क्या है, लेश मात्र भी बुराई नहीं दिखाई देती है, लेश मात्र। और जिसके अंदर ये सब चीजें नहीं है उसके, वो जब इन चीजों को देखता है, जब वो इन चीजों को अपने बनाए हुए संसार में इतना बड़े तरीके से देखता है कि किस तरीके से पाप में डूबा हुआ है और कितनी बुराई जो है इस संसार के अंदर बढ़ चुकी है, तो उसे बड़ा दुख होता है अपने बनाए हुए संसार को देखकर। जिस जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने जब देखा और उसने क्या कहा कि मैं मनुष्य को बनाकर क्या करा हूं, पछताया हूं। वो पछताया, देखिए मनुष्य को बनाकर वो पछताया, वहां पर लिखा हुआ बिल्कुल साफ। और फिर उनको जब उसने जल प्रलय के द्वारा इस दुनिया को समाप्त कर दिया तो उनको मारकर भी पछताया, क्योंकि परमेश्वर का वचन एजेकेल में इसलिए कहता है कि परमेश्वर किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। और इसलिए जब वो प्रसन्न नहीं होता है और वो चाहता है कि हर इंसान जो है इस पाप में, दुनिया से जो जिसका सरदार जो है, जिसका शासक जो है शैतान है, उससे बचे और परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को तैयार करे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का शासन है और जहां पर प्रभु यीशु मसीह राज करता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये ना सोचे कि शैतान का शासन है तो शैतान जो है अपने राज में बहुत मस्त है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो शीघ्र आने वाला है और शैतान और उसके शासन को, उसके राज्य को जो है हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और अपना राज्य स्थापित करेगा।
प्रभु यीशु मसीह जो है यहां पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा था कि यीशु मसीह जो है वो राजा बनने के लिए नहीं आया और ना वो अपने आप को राजा बनाना चाहता था, मगर बहुत सी बातें हैं कि फिर वो बातें क्यों हुई है ये भी हम बताएंगे कि जब वो गधी के बच्चे पर बैठकर आया और उसको जैसे एक राजा प्रवेश करता है और उसने अपने आप को राजा घोषित किया, वो किस तरीके से, उसके बारे में भी वर्णन करेंगे। मगर पहले ये बात देख लें प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना 6 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। देखिए यहां पर क्या है, यीशु मसीह ने जब देखा कि वो मुझे राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो इस संसार का राजा बनना नहीं चाहता था, और उसको राजा क्या बनाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सृष्टि उसकी है, ये सारा संसार उसका है, ये ब्रह्मांड उसका है, उसके हाथों की रचना है, तुम उसको क्या राजा बनाकर उसके हाथ में क्या दोगे। वो इस संसार का राजा बनने के लिए नहीं आया था, इसलिए वो अपने चेलों को भी नहीं ले गया, देखिए, ताकि उसके चेलों के द्वारा ये पता ना चल जाए लोगों को कि वो वहां पर है। वो किसी पहाड़ पर वो एकांत में चला गया कि लोग उसे ढूंढ ना पाए, और जब लोगों के दिमाग से ये बात निकल गई तब वो उनके बीच में फिर से प्रकट हुआ। यीशु मसीह इस संसार का राजा नहीं बनना चाहता था। फिर यूहन्ना 8 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। अब यूहन्ना 17:16 भी पढ़ लेते हैं, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता, यीशु मसीह संसार के तरीके से नहीं जीना चाहता था, क्योंकि वो संसारिक नहीं था, वो कहां का था, वो ऊपर का था, क्योंकि वो जो कुछ भी देखना चाहता है लोगों के जीवन में या जो कुछ भी कार्य वो करना चाहता है वो स्वर्गीय कार्य को करना चाहता है और परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा को जो है वो इस पृथ्वी पर लोगों के जीवन में देखना चाहता है। यीशु मसीह राज करता है, जी हाँ बिल्कुल, जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का राज जो है हम में आता है, हमें स्थापित होता है, प्रभु यीशु मसीह राज करना चाहता है, परंतु वो अपने स्वर्गीय तरीके से करना चाहता है, ना कि संसारिक तरीके से राज करना चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पर राज करे तो हमें संसारिक तरीके से नहीं जीना है, हमें आत्मिक तरीके से जीना पड़ेगा, हमें स्वर्गीय जो स्वर्गीय इच्छाएं हैं जिस तरीके से परमेश्वर की पूरी होती हैं उसको इस पृथ्वी पर पूरी करनी पड़ेगी, तब प्रभु यीशु मसीह हम पर राज करता है, हम पर प्रभुता करता है और वह हमारा राजा होता है। यहाँ परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। और सबसे बड़ी क्या बात क्या है कि जब यीशु मसीह जब आएगा आकाश के बादलों पर और जब वह अपने राज्य में होगा, तो वहां पर लिखा ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी चीजों का वर्णन दिया गया है और बहुत सी चीजें बताई गई हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 19:16 में लिखा हुआ है, उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके जांग पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, यानी जितने भी राजा हैं उन सब पे प्रभु यीशु मसीह प्रभुता करता है। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। कोई भी राजा इस समय शासन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसकी मर्जी है, वो जब चाहे जिस समय चाहे वो उसको हटा सकता है और उसको मिट्टी में मिला सकता है। और प्रभुओं का प्रभु, बहुत से प्रभु इस दुनिया में है, बहुत से प्रभु माने जाते हैं, परंतु यीशु मसीह उन सारे प्रभुओं का प्रभु है और वो सब पर प्रभुता करता है, सारी पृथ्वी पर प्रभुता करता है। राजाओं का मतलब शासन करना यीशु मसीह का, और प्रभु का मतलब प्रभुता करना संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर और संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के ऊपर। अब आप कहोगे तो यीशु मसीह ने जो मत्ती 21 अध्याय और भी जो लूका में भी, यूहन्ना की में भी, मरकुस में भी ये लिखा हुआ है, यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठकर आया और लोग उसको जो थे होशन्ना और उसकी तारीफ करने लगे जैसा एक राजा जो है बैठकर आता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों करा। यीशु मसीह ने ये इसलिए करा है ताकि परमेश्वर का वो वचन पूरा हो जो उसके बारे में भविष्यवाणी की गई, नंबर एक बात। दूसरी बात, वो इस बात को मान लें, इजरायली और यहूदी लोग इस बात को मान लें कि वो जिस राजा की बात जो रहे हैं, जो उनका राजा है, रियल राजा जो है वो यीशु मसीह है, परंतु उन्होंने उसको स्वीकार नहीं करा। यहां मैं जकरिया 9:9 पढ़ाना चाहूंगा, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा,
वे धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वे दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। देखिए उस जो जकरिया लिखता है, जिस तरीके से जकरिया में परमेश्वर ने अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह के उस राजा होने की भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी के अंदर जो भी बातें हैं वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में देखने को मिलती। वो दीन है, वो नम्र है और वो गधी के बच्चे पर बैठकर आया है। ये सारी चीजें जो हैं पुराने व्यवस्था में मिलती हैं, पुराने नियम में मिलती हैं, मगर इसके बावजूद भी जो इजरायली रहे, जो यहूदी रहे, उन्होंने उसको अपना राजा स्वीकार नहीं करा। क्यों स्वीकार नहीं करा उसको अपना राजा? क्योंकि वो उसको अपना राजा किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। आप माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और वो ये बताना चाहता था कि आने वाले समय में और आने वाले जो परमेश्वर का राज है उसके अंदर मैं राजा, इसलिए उसको राजा स्वीकार कर लीजिए, उसको अपना प्रभु स्वीकार कर लीजिए। मगर यहूदी और इसराइलियों ने उसको स्वीकार नहीं किया, और यह सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उसको अपना राजा जो है वो स्वीकार नहीं किया है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या हुई है? इससे भी बड़ी बात हुई कि जब यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया और उसके सर के ऊपर जो है एक पत्र लटकाया गया जहां पर लिखा था यहूदियों का राजा। अब वहां पर भी बहस हुई है, और वहां पर क्या बहस हुई है? देखिए यहूदी और इजरायली जो थे वो किसी भी सूरत में यीशु मसीह को राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह हमारा राजा है, हम इसको अपना राजा नहीं मान सकते हैं। इसलिए जब वो पत्र लटकाया गया तब वो पिलातुस के पास गए कि ये मत लिखवा, बल्कि ये लिखवा कि इसने कहा कि ये यहूदियों का राजा। आप पढ़ लीजिएगा इंजील में कि इसने कहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने कहा देखो जो लिख गया वो लिख गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जो सटीक है और परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणी की गई है वो तो पूरी पूरी होनी है, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसराइलियों ने बहुत जोर लगा लिया, यहूदियों ने बहुत जोर लगा लिया कि इस पे ये ना लिखा जाए यहूदियों का राजा है, मगर परमेश्वर को घोषित करना था, उसने घोषित किया कि ये यहूदियों का राजा है, ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है, यही मेरा इकलौता पुत्र है जो ये संपूर्ण पृथ्वी पर जो है शासन करता है और उसका राज्य जो है वो चलता है, आज भी चलता है। और आने वाले समय में जब परमेश्वर का राज होगा आएगा तो उसमें संपूर्ण रूप से वो राजाओं का राजा होगा। इसराइल में बहुत से राजा पैदा हुए, यहूदियों खास तौर से इसराइल में जो यहूदा का गोत्र है, यहूदा के गोत्र से ज्यादातर राजा ही पैदा हुए हैं। यहूदा के गोत्र से देखिए यहूदा के 12 गोत्र थे, 12 गोत्र से अलग अलग, लेवी के गोत्र से लेवी यानी प्रभु के सेवकाई करने वाले लोग, मंदिर में सेवकाई करने वाले लोग, बलिदान चढ़ाने वाले लोग पैदा हुए हैं। और यहूदा के गोत्र से राजा पैदा हुए हैं, बहुत से राजा जो हैं यहूदा के गोत्र से ज्यादा कर पैदा हुए, और यीशु मसीह भी यहूदा के गोत्र से पैदा हुआ और इसलिए वो राजाओं का राजा। यहूदा के गोत्र से जितने भी राजा पैदा हुए सब पे राज वही करता है, और यहूदा के गोत्र से नहीं बल्कि संसार में जितने भी राजा पैदा हुए वो उन सब का राजा है, क्योंकि बिना उसके कोई ये पद ले नहीं सकता जब तक वो ना, चाहे वो राजा का हो, चाहे वो याजक का हो, चाहे वो किसी भी चीज का कोई भी पद क्यों ना हो। जब तक परमेश्वर ना दे तो कोई नहीं ले सकता। बहुत से लोग ले तो लेते हैं परंतु उनका पद जो है वो व्यर्थ जाता है, उनका कार्य जो है वो व्यर्थ जाता है और कोई भी आशीष उस पर नहीं मिलती है। यूहन्ना 18 का 36 पद है, यूहन्ना 18 का 36 पद ध्यान दीजिएगा। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज यहां का नहीं। बिल्कुल सही बात है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि मेरा राज इस जगत का, इस संसार का होता तो मेरे भी सेवक होते, मेरे भी सैनिक होते और वो मेरे लिए लड़ते, मेरे लिए भी वो लड़ाई करते, मारकाट होती, युद्ध होता बहुत बड़ा। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो राज है वो इस संसार का नहीं है, इसलिए इस संसार का नहीं है, इसलिए मेरा कोई सैनिक नहीं है, मेरी ओर से कोई लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार का राजा नहीं हूं। मेरा राज दूसरा है जो आने वाला है, जो
जो परमेश्वर का राज्य कहलाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 1 और उसके 5 पद में क्या लिखा है कि 7 कलीसियाओं को वह पत्र लिख और साथ साथ में अपनी शक्ति और अपना अनुग्रह उसने भेजा जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। ये वो पत्र लिख रहा है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है, जिसने मनुष्यों से प्रेम किया और जिसने अपना लहू संपूर्ण मनुष्यों के लिए दे दिया, इसलिए ताकि वो उन सब पे शासन कर सके। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तीसरा जो आज पॉइंट था जिसको आज हमने क्लियर करा है कि वो राजाओं का हकीम है। राजाओं का हकीम का मतलब राजाओं पर, जो इस पृथ्वी के राजाओं पर जो है वो शासन करता है। इस पृथ्वी के राजाओं का वो हकीम है यानी शासन करने वाला है और वही रूलर है, उसके अलावा कोई नहीं। तो आइए हम अपने राजा को अपने दिल में जगा दें और उसके राज में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।